और लंबे अंतराल के बाद अब धीरे धीरे स्कूल भले ही खुलने लगे हों, लेकिन कोरोना काल में बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई का असर अब उनकी आंखों पर दिखाई दे रहा है। सिविल अस्पताल रुड़की में आंखों की बीमारी के प्रतिदिन 30 से 40 मरीज पहुंच रहे हैं, जिसमें अधिकतर स्कूली छात्र हैं। कोरोना संकट के चलते पिछले 1.5 साल से बच्चों का स्कूल बंद था और ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी, इसीलिए इसका असर अब बच्चों की आंखों पर धीरे धीरे दिख रहा है। अब बच्चों को मोबाइल लैपटॉप कम से कम देखना होगा ताकि उनकी आंखें सुरक्षित रह सकें। डॉक्टरों के मुताबिक इस मौसम में आंखों पर अधिक असर देखने को मिलता है, लेकिन बचाव ही इसका सबसे अच्छा इलाज है। असर पड़ा है बच्चों को, मेरी एक बेटी है 11th क्लास में है अभी, और उसको समझो 3-4 नंबर का चश्मा चढ़ चुका है ऑलरेडी। और जैसा कि मेरा बेटा छोटी क्लास में है, 1st क्लास में है अभी, ABN स्कूल में पढ़ता है रुड़की, तो 1-1.5 घंटे की क्लास चलती है, तो इस पर तो हम फिलहाल कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन बच्चों का स्वभाव में बहुत फ़र्क पड़ गया है। चिड़चिड़े हो गए हैं बच्चे और बहुत एग्रेसिव एग्रेशन दिखाते हैं। इसका बचाव यही है कि बच्चा एकदम कम रोशनी में ना पढ़े, बीच बीच में हर 2-2.5 घंटे पढ़ने के बाद थोड़ा आँखों को रेस्ट दे। एक हम उसको अगर ड्राइनेस वगैरह होती है तो लुब्रिकेंट भी एडवाइस करते हैं, उसको डालने से थोड़ा राहत रहती है। पौष्टिक खाना खाए, थोड़ा सा हल्का फुल्का योगा एक्सरसाइज करे, तो उससे जो है उसकी दिनचर्या अच्छी बनी रहती है। और देहरादून के सिलदा चुल्हाद और बनाधार के बीच में उत्तराखंड रोडवेज की बस सेवा शुरू की गई है, जिससे यात्रियों में काफी खुशी है। लोगों का कहना है कि इलाके के लोग करीब 15 साल से बस सेवा शुरू करने की मांग कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने बस सेवा शुरू करने पर देहरादून के DM और R राजेश कुमार को धन्यवाद दिया है। नैनीताल के स्थानीय उत्पादों को बड़े स्तर पर बढ़ावा देने के उद्देश्य से हल्द्वानी में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस आयोजन में उद्यमियों के सामने आ रही तमाम दिक्कतों को दूर करने की कोशिश की गई। विदेश व्यापार भारत सरकार के सहायक महानिदेशक के मुताबिक हर जिले से 1 या 2 ऐसे स्थानीय उत्पाद चुने जाते हैं जिससे उन जिलों की पहचान मिले और उस उत्पाद को निर्यात किया जा सके। इसके अलावा उद्यमियों की मार्केटिंग से जुड़ी समस्या सामने आ रही है, लिहाजा इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों के सामने रखा जाएगा। हम लोग ये चाहते हैं कि हम 400-500 महिलाओं को इसमें रोजगार दें, और हमने सर से ये रिक्वेस्ट की है कि सर हमारी मतलब मार्केटिंग में हेल्प करें। अभी तो हम लोग हल्द्वानी लोकल या थोड़ा बहुत से बहुत जो बाहर से ऑर्डर देते हैं उनको, लेकिन हम सोचते हैं बड़े लेवल पे हमें मार्केटिंग का ये मिले, जैसे हार्ट वगैरह में हमारी स्टॉल के लिए हमें सर से हेल्प मिले। नैनीताल खंड से जो है कंटेनर की जो है वो प्रॉब्लम्स हैं, तो इस उनकी ये मांग जायज़ है, हम उच्च अधिकारियों तक उनकी बात को पहुंचाएंगे, कोशिश करेंगे कि उनकी ये समस्या का हल जल्द से जल्द हो सके। और नैनीताल में आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई है। NCC आर्मी की 79 और 5 नेवल NCC कैडेट ने मार्च पास्ट के साथ महोत्सव शुरू किया। 14 डोगरा की पाइप बैंड टीम ने बेहद सुंदर प्रस्तुति पेश की। उत्तराखंड की राज जात यात्रा का एक दृश्य और क्षेत्रीय गानों की कलाकारों की प्रस्तुति से दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए, और इस मौके पर उत्तराखंड खेल रत्न से सम्मानित ओलंपियन राजेंद्र सिंह रावत समेत दूसरे लोगों को सम्मानित किया गया। रानीखेत की 14 डोगरा रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अमित सैनी ने कार्यक्रम की जानकारी दी।